हे दोस्तों, स्वागत है सुपीरियर स्पाइडरमैन के एपिसोड 29 में। और मैं हूँ कॉमिक सैंडी, आप लोगों के सामने पेश करता हूँ सुपीरियर स्पाइडरमैन का एपिसोड 29। ऑलरेडी मैंने बता दिया है, जो मैंने आप लोगों को अभी तक नहीं बताया है वो है कि सुपीरियर स्पाइडरमैन का ग्रैंड फिनाले सामने आ गया है और वो है एपिसोड 31। लेकिन उससे पहले एपिसोड 29 और 30 में आप लोग जितना चाहे कमेंट कर दीजिए पूरे सीरीज़ के बारे में, आप लोगों को आगे क्या सीरीज़ चाहिए सब कुछ के बारे में, और उसके बाद मैं एपिसोड 31 जो कि ग्रैंड फिनाले है उसमें आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ूंगा, गंदे बुरे सच्चे अच्छे बुरे जो भी हो। एनीवे, तो चलिए शुरू करते हैं सुपीरियर स्पाइडरमैन का ये वाला एपिसोड। और इसमें हम लोग देखते हैं द गॉब्लिन अंडरग्राउंड में ग्रीन गॉब्लिन बैठ के अभी सारा न्यूज़ देख रहा है, और पूरे न्यूज़ में आ रहा है कि न्यूयॉर्क शहर में ग्रीन गॉब्लिन के पूरे आर्मी तहलका मचा चुके हैं। और तभी मेनेस आ जाती है और मेनेस आके ग्रीन गॉब्लिन को बताती है कि उसने एनामरी मर्कोनी को अभी अपने कब्जे में कर लिया है। और तभी ग्रीन गॉब्लिन बताता है कि चुप हो जाओ, एक अच्छा न्यूज़ चल रहा है। और उसी न्यूज़ में हम लोगों को पता चलता है कि पार्कर इंडस्ट्रीज के अंदर जब मॉन्स्टर पीटर पार्कर के पीछे भागी थी, उसके बाद एक बड़े विस्फोट की वजह से, छत गिर जाने की वजह से उन दोनों की मौत हो गई है। उधर हम लोग देखते हैं जे जोना जेम्सन मतलब मेयर के ऑफिस में। अभी मेयर बिल्कुल राजी नहीं होता है स्पाइडर स्लेयर्स को पूरे शहर को हेल्प करने के लिए, लेकिन बाकी सब लोग बोलते हैं यही सबसे अच्छा टाइम है, लेकिन जे जोना जेम्सन तभी भी मंजूर नहीं होता। तो इसीलिए उसका प्राइवेट असिस्टेंट भी उसे छोड़ के चली जाती है और बोलती है ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वो बिल्कुल काम नहीं करेगी। उधर हम लोग देखते हैं आउटसाइड ऑफ मिस्टिक मतलब कनेक्टिकट में, अभी मेरी जेन वॉटसन अंत में और जे जेम्सन और इन दोनों को बाहर लेके आई है। और तभी पीटर पार्कर का भी मेरी जेन वॉटसन के पास कॉल आता है और तब वो बताती है हाँ मैंने तुम्हारे कहने के बावजूद भी उन लोगों को शहर के बाहर लाया है, और इससे अच्छा चीज़ और कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ग्रीन गॉब्लिन अभी उन लोगों के ऊपर ही हमला करने वाले थे या फिर ऑलरेडी हमला कर चुके हैं, लेकिन पहले से ही वो लोग बच गए हैं। और तभी हम लोग देखते हैं पीटर पार्कर अभी पार्कर इंडस्ट्रीज़ में बिजी है मॉन्स्टर को उसके अच्छे हालत में लाने के लिए, क्योंकि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मॉन्स्टर के अंदर मतलब कार्ली कूपर का बहुत सारा कॉन्शियसनेस अभी भी जिंदा है, और उसी कॉन्शियसनेस के जरिए वो डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस का हेल्प मांग रही थी, क्योंकि उसे पता है अभी स्पाइडरमैन के अंदर डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस का दिमाग है और वो बिल्कुल इस ग्रीन गॉब्लिन सीरम को रिवर्स कर सकता है। तो इसीलिए पीटर पार्कर अभी वही ट्राई कर रहा है ग्रीन गॉब्लिन सीरम को रिवर्स करने के लिए और कार्ली कूपर को मॉन्स्टर से फिर से इंसान बनाने के लिए। लेकिन तभी ग्रीन गॉब्लिन का कॉल आ जाता है पीटर पार्कर के सीक्रेट मोबाइल सर्विस में और वो बताता है कि उधर कुछ गड़बड़ है, और ग्रीन गॉब्लिन बताता है, ये चेतावनी देता है पार्कर को कि पार्कर तुम्हें अभी के अभी मुझसे मिलने आना पड़ेगा, नहीं तो बहुत कुछ गंदा होने वाला है। एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा क्लासरूम मीटिंग चल रहा है और उसमें मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये बोलने के बाद ही पीटर पार्कर को मतलब स्पाइडरमैन को अंदाज़ा हो जाता है शायद एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी में ग्रीन गॉब्लिन एनामरी मर्कोनी को मारने वाला है या फिर उसके ऊपर कुछ डेंजर है, और इसीलिए तभी पीटर पार्कर उधर से भाग जाता है और स्पाइडरमैन बन के ग्रीन गॉब्लिन के साथ कम्युनिकेशन में लगा रहता है। और तभी ग्रीन गॉब्लिन डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस का सारे जो भी चहिते स्थान थे जो कि एटॉमिक रिसर्च सेंटर जहाँ पे उसका ऑक्टोपस वाला कांड घटा था, या फिर दूसरे जगह पे जहाँ पे डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस ने पीटर पार्कर बन के कुछ भी अच्छा काम किया था, वो सब कुछ का विनाश कर देता है, वो सारे बिल्डिंग में वो बम फोड़ देता है और कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। और उसके बाद पीटर पार्कर मतलब सुपीरियर स्पाइडरमैन बहुत गुस्सा हो जाता है और टूट भी पड़ता है, लेकिन और ग्रीन गॉब्लिन की हंसी की आवाज़ से वो अपने आप को रोक नहीं पाता और इतना गुस्सा हो जाता है कि वो बताता है कि ग्रीन गॉब्लिन को वो मारी डालेगा, लेकिन ग्रीन गॉब्लिन बोलता है तुम्हें अभी एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी में आना ही पड़ेगा और किसी को अपने साथ मत लाना क्योंकि मेरा क्लास फुल है, और किसी को लाए तो हो जाएगा बूम, पूरा एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी उड़ जाएगा। और तभी डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस अभी कुछ कंफ्यूजन में पड़ गया है क्योंकि उसे पता है ये एक साजिश है ग्रीन गॉब्लिन की, लेकिन अगर पीटर पार्कर का कॉन्शियसनेस उसके दिमाग के अंदर होता तो वो इस टाइम पे क्या करता। लेकिन डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस इस सच को मान नहीं पा रहा था कि पीटर पार्कर इसका सोल्यूशन दे सकता था क्योंकि वो डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस का सबसे बड़ा दुश्मन था। उधर हम लोग देखते हैं तभी स्पाइडरमैन जाने का सिद्धांत ले लेता है एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी में, वो अकेला ही जाएगा, और वो जाते जाते जब शहर के कोने कोने में देखता है ग्रीन गॉब्लिन के बहुत सारे आर्मी
या फिर ग्रीन गॉब्लिन के लोग शहर के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन वो उन लोगों को बचाता नहीं है और पुलिस में कॉल कर देता है, बोलता है कि शहर में इधर इधर प्रॉब्लम हो रहा है, इन लोगों को आके बचाओ। लेकिन पुलिस अभी पीटर पार्कर मतलब स्पाइडरमैन के आदेश लेने को मंजूर नहीं है, क्योंकि मेयर जे जोना जेम्सन ने बता दिया है स्पाइडरमैन की बात नहीं सुनना। और उधर जे जोना जेम्सन फिर ऑर्डर देता है स्पाइडर स्लेयर्स को लेके एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी में चला जाओ, जो कि कोऑर्डिनेट स्पाइडरमैन ने अभी के अभी पुलिस वाले को दिया है, और उधर जाके स्पाइडरमैन को पकड़ो। और जब स्पाइडरमैन एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी में पहुंचता है, उधर जाके वो देखता है ग्रीन गॉब्लिन तो है, लेकिन उसके साथ एनमर यमरकोनी नहीं है, उसके साथ है डॉक्टर डॉन लमाजे। और वो चौंक जाता है, स्पाइडरमैन डॉक्टर डॉन लमाजे को देख के बोलता है तुम्हारे पास डॉन लमाजे बंदी बैठा है। और तभी ग्रीन गॉब्लिन बोलता है क्यों, तुम्हें शौक लगा क्यों, क्या डॉन लमाजे को तुम बचाना नहीं चाहते? मुझे तो पता है कि डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस का जो भी अच्छा दोस्त था वो था डॉन लमाजे, यही सबसे करीबी दोस्त था। ये बोल के वो डॉन लमाजे को नीचे गिरा देता है और ग्रीन गॉब्लिन उधर से निकल जाता है और बोलता है ठीक है मैं किसी दूसरे तुम्हारे सबसे करीब लोगों को ढूंढ लूंगा, लेकिन पहले तुम डॉन लमाजे को बचाओ। ऐसा बोलते हुए ग्रीन गॉब्लिन जब निकल नहीं जाता है और स्पाइडरमैन उसको पकड़ने जाता है, लेकिन स्पाइडरमैन के पीठ के पीछे से जो चार वेब हेडेड लेग्स थे या फिर चार हाथ थे डॉक्टर ऑक्टोपस जैसे, वो निकल के आता है और वो इधर उधर वार करना चालू कर देता है। और ग्रीन गॉब्लिन हंसते रहता है, मैंने तुम्हारे ये हाथों को, ये जो ऑक्टेवियस वाले हाथों को हैक कर लिया है, अभी ये तुम्हारे ऊपर ही हमला करेंगे, अगर तुम इससे बच सको तो ग्रैंड फिलाने में हम लोग मिलेंगे, या फिर मैं तब के लिए कुछ ना कुछ तो निकाल ही लूँगा तुम्हारे ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन अभी का मज़ा अभी है तो मैं इन हाथों को तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ, तुम इन्हें बचाओ या डॉक्टर डॉन लमाजे को बचाओ, मुझे परवाह नहीं, मैं इधर से निकलता हूँ। ऐसा बोलते हुए ग्रीन गॉब्लिन निकल जाता है और उधर स्पाइडरमैन के पीठ में जो हाथ थे वो तभी स्पाइडरमैन को मारने जाता है, लेकिन डॉक्टर डॉन लमाजे उस हाथ और स्पाइडरमैन के बीच में आ जाता है जो कि पीठ से मारने वाला था स्पाइडरमैन को, और वो हाथ जाके घुस जाता है डॉक्टर डॉन लमाजे के पीठ पे और उसके बुरी तरह हालत खराब हो जाता है। और स्पाइडरमैन तब वो मैकेनिकल हैंड उसके पीठ से निकालता है और डॉन लमाजे उसके गोद में गिर जाता है और बोलता है तुमने जब मेरे जान बचाया था तब मैं उधर से भाग के निकल गया था, लेकिन एनमर यमरकोनी को मेरी ज़रूरत थी, मुझे उसे बचाना चाहिए था, लेकिन मुझे ये सीख मिला है कि तुम ही सच्चे हीरो हो और तुमने मुझे वही रास्ता दिखाया है और मैं इसका शोध आज दे रहा हूँ तुम्हें, तुम्हारी जान बचा के। ऐसा बोलते हुए डॉक्टर डॉन लमाजे की मौत हो जाती है उधर, और तभी स्पाइडरमैन और गुस्सा हो जाके गॉब्लिन की तरफ देखते हुए चीखता है, लेकिन तभी उधर आ जाता है स्पाइडर स्लेयर्स का आर्मी जो कि अभी कंट्रोल्ड बाय मेयर जे जोना जेम्सन है, क्योंकि उसका रिफ्लेक्शन स्पाइडर स्लेयर्स के स्क्रीन पे आ रहा था, उसके फेस के रिफ्लेक्शंस। और इसको देख के स्पाइडरमैन चौंक जाता है कि जेम्सन ये तुमने क्या कर दिया। ऐसा बोलते हुए स्पाइडर स्लेयर्स के आर्मी स्पाइडरमैन के ऊपर भटक पड़ते हैं उसे मारने के लिए, और स्पाइडरमैन तब चौंक जाता है और बोलता है देखो तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं तुम्हारा सच्चाई जो कि स्पाइडरमैन एक्चुअली इतने दिनों से उसे ब्लैकमेल कर रहा था वो सबके सामने ला देगा। ऐसा बोलता है, लेकिन जे जोना जेम्सन तब बोलता है मुझे कुछ भी परवाह नहीं उसके बारे में, मैं तुम्हें अभी के अभी मार के ही गिराऊंगा, मुझे अभी परवाह नहीं तुम मेरा सच्चाई किसी के सामने लाओ या नहीं। लेकिन तभी अचानक से वो स्पाइडर स्लेयर्स का मेकनिज़म उधर ही बंद हो जाता है और हम देखते हैं उसको बंद किया है मिगुएल ओहारा, जो कि एक्चुअली अभी में माइकल ओहारा बन के इसी टाइमलाइन में जी रहा था, जो कि स्पाइडरमैन 2099 है। और जब स्पाइडरमैन बोलता है जो भी किया है तुमने अच्छा काम किया, मुझे जाने दो, मुझे ग्रीन गॉब्लिन को मारना है, तभी स्पाइडरमैन 2099 बोलता है ओह नहीं नहीं इतनी जल्दी नहीं, मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं छोड़ूंगा, मुझे कुछ कुछ सवाल की जवाब चाहिए, उसके बाद ही मैं तुम्हें इधर से जाने दूंगा। लेकिन तब स्पाइडरमैन बहुत गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है देखो तुम ये जो भी कर रहे हो ये बुरा कर रहे हो, ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं स्पाइडर स्लेयर्स फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और बैक टू ऑनलाइन हो जाता है, लेकिन इस टाइम स्पाइडरमैन 2099 ने इन लोगों को एक्टिवेट नहीं किया था, इन स्पाइडर स्लेयर्स को एक्टिवेट किया था ग्रीन गॉब्लिन ने। ग्रीन गॉब्लिन ने स्पाइडर स्लेयर्स के पूरे आर्मी को भी हैक कर लिया है और वो दोनों के दोनों स्पाइडरमैन को मुंडी से और गर्दन से पकड़ लिया है ताकि उन दोनों को अभी के अभी मार दे। और ये स्पाइडर स्लेयर्स का आर्मी अभी स्पाइडरमैन 2099 के कंट्रोल में नहीं है,
बावजूद भी वो उन लोगों ने ये टेक्नोलॉजी को बनाया था, लेकिन नॉर्मन ऑसबोर्न मतलब ग्रीन गॉब्लिन ने इसको हैक कर लिया है किसी भी तरह, क्योंकि उसे सब कुछ हैक करना आता है। इवन दो नहीं, मैं मजाक नहीं करूंगा। तो एनी वे सुपीरियर स्पाइडरमैन एपिसोड 29 इधर ही खत्म हो जाता है। याद रखना आप लोगों को कमेंट करना है, जितना भी चाहे कमेंट कीजिए, मैं सारे के सारे कमेंट्स पढ़ूंगा ग्रैंड फिनाले में। तो चलिए दोस्तों अभी के लिए गुड बाय, और मैं ट्राई कर रहा हूँ आज ही और एक वीडियो और एक एपिसोड आप लोगों के सामने लाने का, और शायद वो लाऊंगा 9 बजे। तो ज़रूर 9 बजे ट्यून इन कीजिए इस चैनल पे, तब भी दूसरा एपिसोड आ जाएगा, और ये एपिसोड तो 6 बजे के अंदर अपलोड हो ही जाएगा, आप लोगों के सामने आ जाएगा। और हैव ए हैप्पी वीकेंड, और संडे इन्जॉय कीजिए कॉमिक्स के साथ। तो अभी के लिए गुड बाय दोस्तों, एंड गुड नाइट।